सारे कहेंगे भी पहला जे हनीमून तक नहीं जा सके तो सानू हुण जरूर जाना चाहिए। बड़ी चंगी तरह पता चल गया हनीमून का मतलब की है। ये हनीमून है किसे आपा हुण ते पता लग गया होना हनीमून हुंदा की है। हुण तक तो लगना चाहिए। बहुत अच्छी फैमिली हनीमून भी होना चाहिए ताकि स्वागत है। मैं शेखर राय। सो अज तुहानू मूवी दे प्रीमियर दे उत्ते लेके आया। पंजाबी फिल्म रिलीज़ हो रही है 25 अक्टूबर नू हनीमून। और इस नाम दे उत्ते नहीं तुसी ज़्यादा जाना, पूरी परिवारिक फिल्म है। ये सारा परिवार ही है, सारे का सारा जिहड़ा है हुण हनीमून बनाउण तुर पिया। तो इन्हां नूं बेचारियां नूं नहीं पता क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारियां इदां दियां थावां ने, पिंडां दे विच अजे घर ने जिथे हजे भी लोग इस नाम तो थोड़े अनजान ने। सो उस तरीके दे नाल ये फिल्म है जिहड़ी, और इस दे विचों निकलदी कॉमेडी है जिस नूं गिप्पी गरेवाल एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए लैके आए हैं, अपने फैंस के लिए लैके आए हैं। तो उन्होंने नाल बड़ा वधिया चेहरा सानूं देखण नूं मिल रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री दे विच शुरुआत हुई है जैसमिन भसीन की, जो कि इस तो पहला तुहानू टीवी सीरीयल्स दे विच देखण नूं मिल चुकी है। इस तो इलावा बिग बॉस दे विच ते खतरों के खिलाड़ी दे विच भी देखण नूं मिल चुके हैं। सो टीवी इंडस्ट्री तो हुण फिल्म इंडस्ट्री की गल करिए तो तमिल तेलुगू मलयालम फिल्मों दे विच भी काम कर चुके हैं। 7 फिल्मां जिहड़ियां ने मलयालम तमिल ते जिहड़ी तेलुगू भाषा दे विच करन तो बाद पहली बारी पंजाबी फिल्म दे विच दिखाई दे रहे हैं। और बाकी कलाकारां नूं तुसीं जानदे हो, अक्सर ही फिल्मां देखते रहने हो, और गिप्पी गरेवाल हमेशा हास्या नाल भरपूर मनोरंजन नाल भरपूर फिल्मां लैके आते हैं। सो ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा वधिया होने वाली है। सो अज प्रीमियर के उत्ते तुहानू स्टारकास्ट दे नाल भी मिलावांगे, बाकी दे जिहड़े दर्शक ने जां फिर जिहड़े इंडस्ट्री दे लोग देखण आणगे फिल्म, उन्हां दे नाल भी गलबात करावांगे कि उन्हां नूं किद्दां दी लगी है फिल्म। उस तों बाद तुसीं भी इस दिवाली मौके 25 अक्टूबर नूं जदों फिल्म रिलीज़ हुंदी है तां जाके सिनेमाघरां दे विच देख सकदे हो, अपनी फैमिली नाल इंजॉय कर सकदे हो। तां आ जाओ फिर, तुहाडा ज़्यादा समां नहीं लैंदे, शुरुआत करदे हां। सो पहली बार होन चले है जी कि हनीमून असी हुण थिएटर च देखांगे, प्रीमियर दे उत्ते पहुंचे हुए हैं। रघवीर ओली साडे नाल ने भाई, सत श्री अकाल। बहुत सत श्री अकाल। थैंक यू वीरे, शुक्रिया। बड़ी फन वाली गल है जी कि फिल्म का जिहड़ा नाम है उस तो पहला तो ऐ लगता है कि यार हनीमून फिल्म इस दे उत्ते बनी, तो उस तो बाद जो ट्रेलर देखा उस तो बड़ा, तो हुण इस गल तो भी हासा ही आता है कि हनीमून आपां हुण देखण चले हैं, है ना? सही गल है, पहली बार अभी हनीमून देखा फिल्म है। चलो वधिया गल है, बहुत इंटरटेनिंग है, ट्रेलर नू बहुत प्यार दे रहे हैं सारे जी। ते गाने इन्ने सोहने निकले है, ते सारी टीम नू मुबारकबाद है, भाई गिप्पी भाई होरां नू, करमीत भाई होरां नू, नरेश भाई होरां नू, डायरेक्टर साहब नू, सारी कास्ट नू। ते तुसी अगर वैसे तो चलो अपने अपनी सीक्रेसी हुंदी है, पर फिर भी तुसी हनीमून दे लई कित्थे गए सी? ओ मैं तो हजे ब्याह ही नहीं होया भरावा। हैं ला दस, ये तो हैरान वाले बंदा दस के थोड़े आंदा हुंदा। अच्छा भाजी, वैसे ना अज के समय के लिए ना गिप्पी भाजी ने भी बड़ा वधिया जवाब दिता सीगा, अज के समय लिए ना जरूरी भी हो गया कि हनीमून तो जाना चाहिए। पंजाब कई लोग अवेयर नहीं, हूँ फिल्म देखने तो बाद तो सबनों पता लग जाना भी हनीमून की होंगे, तो जाना भी चाहिए। तो की सोच कहें? बजट के हिसाब न है, बजट के हिसाब न, बजट हरेक बंदे की अपनी एक लाइफ आदा की आमदन वो हिसाब न ही होंगे। कई तो विह भी बहुत लिमिटड सोर्स करते हैं, है ना, भी फैमिली फैमिली जाती है। जिहड़ा बंदा जाण वाला जा सकता उन्हूं जाना चाहिए मेरे ख्याल जी। हरेक की अपनी एक अपनी परसनल ये तो थॉट आ जाता। चलो तुहाडी सारयां दी एक टीम हैगी है, बहुत सोहणियां फिल्मां जिहड़ियां पंजाब लई लैके आने हो, गिप्पी बाई उन्हां नाल तुसीं भी मिल के जिहड़ा काम करदे हो। हनीमून जिहड़ी एक थोड़ा ये दिखा रही है कि पूरा परिवार किस तरीके दे नाल घूमण बाहर गया। कई बार इदा होंगे भी चलो असं जवान जवान जोड़े है घूमन चले जाने, पर जोड़े साढ़े घर के बजुर्ग होंगे बेचारे वो कितने बाहर गए नहीं होंगे। इस ये बड़ी सोहनी चीज़ लगी है मैनू। फिल्म तो की एक्सपैक्टेशन ने तोड़िया, कॉमेडी भी है तो होर की? बहुत वधिया भाई, देखो फैमिली मूवी है, इंटरटेनिंग है, और नवी चीज़ है ना। एक जिवें आप सोचते हैं भी हनीमून तो वैसे ही थोड़ा पता ही है भी की कॉन्सैप्ट होंगे, पर जी सिचुएशन बनती है वो जो सारे कहें भी असं भी जावे
तो उन्होंने ये लगता भी हनीमून खौरे कोई मेला है ना मेला का भी इदा होना उन्होंने भी असं भी चले कटे तुम कले को जाओगे ना तो वो बाकी देख के मजा आऊगा अपन देखा आप सारे फिर पता आप फिल्म क्योंकि शुरू होने वाली है ज्यादा समय नहीं लवेंगे फिल्म शुरू फिल्म देखने तो बाद जरूर पूछेंगे कि किमें दी लगी ठीक है भीरे जरूर थैंक यू मेहरबानी साडे नाल शुक्रिया भरा अज ना हनीमून फिल्म का प्रीमियर हैगा तो कोई बहुत तैयार होके आया राज तालीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर शुक्रिया थैंक यू बहुत वधिया लग रहे हो किन्ने घंटे लाए ने तुसी नहीं अद्धा घंटा ही लगया अद्धे घंटे वाला लगता थोनू ये अद्धे घंटे वाला मेकओवर नहीं हैगा अच्छा जी ये प्रोफेशनल है ना आ जाओ बंदा भी मिलाने का आजल काम है आ जाओ इधर आ जाओ मैं हूं इधर आ ए है मेरी मेकअप आर्टिस्ट आज ये अद्धे घंटे से तैयार करता अद्धे घंटे से इतना टाइम नहीं लगे इन्होंने है ही सोने हां आ देखा सहित जाके हनीमून देख सकते हो थिएटर सो फिल्म बड़ी एक्साइटिंग है डिफरेंट जिहा कॉन्सेप्ट है सो अज जो प्रीमियर आयो रौनकां भी लगियां सो की उम्मीद कर रहे हो सारे निकल के की कहणगे सारे कहे भी पहला जो हनीमून तक नहीं जा सके तो सू हूँ जरूर जाना चाहिए मैं तो कहूँगी मैं तो जाके आऊँगी भी जे सारे फिल्म तो इंस्पायर हो गए तो पूरे टब्बर ने तुर पैना टब्बर भी इंजॉय करूंगे ये की है फिर सारे हॉल ही बुक कराएंगे जिम्मे ट्रेलर ची सुने होना भी इदा ही चाहिए फिर उही काम होगा गिप्पी भाजी जी जिम्मे कही जाते भैने उ हो जाना होना भी इदा चाहिए नहीं इदा नहीं होना चाहिए इदा नहीं होना चाहिए सो खैर ये बहुत सोहनी चीज़ लगी है कि पिछे कई बार ना परिवार जड़े ने वो कितने घूमे फिरे नहीं होंगे बजुर्ग साढ़े घर रह जाते हैं तो असी बड़े होके बाहर भी देशों से भी जाइए तो ये खूबसूरत चीज़ है कि पूरा परिवार लैके बिल्कुल बिल्कुल है ना की कहोगे देखो हूँ आगे पिछली छेड़ के चले गए कह के गए ने मैम सत श्री अकाल ज़्यादा घेंट बन के आए सो ये फन हों रहेगा सो एक्साइटमेंट रियलिटी के की है तो देखो हमेशा ही अपना जो कोई प्रोजेक्ट आता हों तो है ना की रिस्पोंस होगा लोग पसंद करेंगे होपफुली जिमें पहला अपनी यार मेरा तितली वर्गा पसंद किया इस ये फिल्म मेरे ख्याल न इन्ना उन्ना ही हासा ये लैके आऊगी सो पसंद करेंगे लोग तो यही सानू चाहिए असी मैं थोड़ी तो ज्वेलरी स्पैशली नोटिस कर रहे हैं ये थोड़ा जहा जिहड़ा पुराना कल्चर पुराने टाइम दे विच असी देखते होंगे सी ना कि जिहड़ा सोने दे सैट होंगे सीगे ये कुछ उदां दा लग रहा है इहनूं कहिंदे ने दाखां अच्छा दाखां दा सैट दाखां ते ए भी मैनूं इहने स्पैशल इहने ही पवाया इह जिहड़ा सस्ती पवाया कह के कि भी तुसीं पाओ अग्गे तुहानूं पता ही है भी मैं बिल्कुल सिंपल बन के आया इह कहिंदे सिंपल नहीं जाणा अज तुसीं प्रीमियर ते चल्लिओ भी हनीमून दे प्रीमियर ते तां तुहानूं थोड़ा सज के जाणा चाहिए सो जिहड़े मेरे कॉस्ट्यूम इह अनूप अपेयरेंस वल्लों जिहड़े मैनूं स्पोंसर ने ते इहने मैनूं तैयार कीता आ सो बहुत वधिया लग रहे हो इत्थे भीड़ हो गई है फिल्म शुरू होने वाली है भज्जो भज्जो ते आपां फिल्म तों बाद फिर इक वारी फिर गल थैंक यू जी अज बहुत एक्साइटेड हाँ बहुत एक्साइटमेंट आ सारा कुछ ओके रिपोर्ट आ मैं लगता असं थोन सारिया गलत कटिया पर एक आज आप दो लाइना झांजर दिया सुन मैं बना सकता हाँ हाँ जी उतरी गली चुमांगे वो फिर शहर चुमांगे वो तेरे पैर दी झांजर बन के तेरे पैर चुमांगे वो तेरे पैर दी झांजर बन के तेरे पैर चुमांगे तू शक्ल ना वेखी गैर दी शक्ल ना वेखी गैर दी जे हार नहीं बनाना गोरिए झांजर बना ले पैर जे हार नहीं बनाना गोरिए झांजर बना ले पैर दी फिल्म बनाई है और बहुत वधिया फिल्म बनाई है तुसी अंदर जाके देखियो ब्रैकी दा जानी दा इन्हां दा बहुत थैंक यू आ गाना सुपर डुपर हिट होया जिहदे करके बहुत कुछ मिलिया फिल्म नूं और तुसी सारे पसंद कर रहे हो सो बाकी गल्लां फिर करदे आं मगर ठीक है।
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਸਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫੜਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੱਬੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਮੇ ਦੀ ਉਹ ਬਾਇਓਪਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਫਿਰ 15-20 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਕਰਨਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਪੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਤੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 25-30 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਿਰਿਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਬਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਊਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਊਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਗ ਬੋਸ, ਬਿਗ ਬੋਸ, ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਕਦੇ ਬਾਹਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਠੰਡ 'ਚ, ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਆ ਠੰਡ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਜਲਦੀ, ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ
ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 20 ਹਫਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ 2 ਵੀ ਆਉਗੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਜੀ ਇਹਨੇ 2 ਵੀ ਆਉਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਧਾਈਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਿਤਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਮੂਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚਿਲ ਮਾਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ हनीमून एक ऐसी अच्छी फिल्म है कि कोई जवाब नहीं उसका और हर चीज़ है कॉमेडी भी गजब की है और उसको जो फिल्म को स्टोरी में जो टर्न दिया है वेरी नाइस क्या बात बहुत अच्छी जी और जो संदेश दिए गए इसमें वो आज के लिए ज़माने में बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वैसे ये है कि मेरे बेटे ने बनाई है अमरप्रीत और मैं फिल्म को मतलब चाहता हूँ कामयाबी के शिखर पर पहुँचे और पहुंचेगी आप सबके उत्तर किमें लगी गुड बहुत अच्छी वेरी गुड बहुत अच्छी है बेस्ट चीज की लगी फिल्म दी वैसे तो कॉमेडी बहुत अच्छी थी फैमिली एंड इट्स आवर ओन मूवी बवेजा स्टूडियोज सो यस मैम तुसी की बोलो मैं पंजाबी नहीं बोलती बट इवन फॉर समन हु डजंट रियली अंडरस्टैंड पंजाबी आई एक्चुअली रियली लव्ड द फिल्म एंड आई थिंक द मैसेजिंग इज ग्रेट द कॉमेडी द इमोशन द मूवी हैज एवरीथिंग एंड अ ग्रेट मैसेज इत्थे देखो जी जिस तरीके दे नाल ए परिवार लग रहा ना कि बैठे है उदा दा एक परिवार गया सीगा पूरे दा पूरा हनीमून बना के आया ते फिल्म देख के आए असी है ना तो हुण ते मेरे ख्याल नाल पंजाब नूं पता लग गया होना हनीमून है की है सर की कहोगे पंजाब नूं तां पता लग गया वाकई हनीमून की है लेकिन हनीमून के अलावा जो सारे बंदे कट्ठे होके बाहर चले गए ना वो एक अलग की कहते हैं पूरा एक बन गया फन बन गया पूरा हाँ फन बन गया राइट किवें दी लगी मैम तुहानू फिल्म बहुत बढ़िया से रियली एंजॉयड इट जो मैसेजेस दिते हैं ना मूवी बहुत अच्छे से जी वेरी गुड मैम तुसी की कहोगे बहुत बढ़िया फिल्म से बहुत एंजॉय किया ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਹੀ ਹਨੀਮੂਨ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਧੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵਰਗੀ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਸ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਡੋਲਸ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਆਇਆ ਕਰ ਛਈਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡੀ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੇਡੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪੈਮ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟਰਨ ਐਂਡ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੀਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ
करैक्टर की यह डिमांड है तो मतलब मैं फटाफट हाँ की थी। मैं क्या करना है मेरा करैक्टर कि मैनू पता सीगा भी मैं कर सकती हूँ, बाकी हूँ ऑडियंस सब दी बाप है। मेरे ख्याल में 25 तरीक नूं सारे ने दस देना है फिल्म तो डेफिनेटली यह लोगों को पसंद आने वाली है। दिवाली हैगी है, दिवाली के उत्ते फिल्म पूरे पटाके पाऊगी है ना, असी वो वाले पटाके नहीं बजाने जिहड़े कि पोल्यूशन करते हैं। थिएटर के विच जाके देखो हनीमून हनीमून नहीं पटाके बजाने। मेरे ख्याल हूँ तो पता लग गया होना हनीमून हुंदा की है। हुण तक तो लगना चाहिए जो तो ऋषि मैम नूं पता लग गया, सबनूं ही पता लग गया उनका करोड़ा रुपया लग गया है फिल्म बनन दे उत्ते, ते फिर ते पता लगना चाहिए। असी इंग्लैंड जाया है उत्थे घूमण घेरियां कढ़ियां उत्थों मतलब उत्थों पता लग गया ते इन्ना खर्चा हो गया फिर तो पता लगना ही लोकां नूं। तुहाडे लई बेस्ट मूवमेंट किसी का लास्ट सवाल है इंग्लैंड दे विच इंटायर टोटली फिल्म शूट करदे होए मैनूं तो एक्साइटमेंट ही सीगी, एक्साइटमेंट बहुत सी कि अगे मतलब क्योंकि पूरी फिल्म तो असी देखी नहीं सी, असी अपना अपना डब करके आए सीगे ते अज पूरी फिल्म देखी कि नहीं वाकई है मतलब सैटिस्फैक्शन भी हैगी है ते अंदरों खुशी बहुत ज़्यादा। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हनीमून के प्रीमियर के उत्ते सिमरपाल भाजी साढ़े नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है भाजी। धन्यवाद जी, धन्यवाद तुहाडा भी। मेरे ख्याल हूँ तो पता लग गया होना सारे हनीमून हुंदा की है। बिल्कुल जी, हनीमून का एक्चुअल मतलब आई हुंदा जी, वो वैसे मनाया गया। एक्चुअल मतलब आई हुंदा पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाए। अज एक नवी डेफिनेशन मिल गई है मैम, आ जाओ आ जाओ तुसी भी आ जाओ सामने आ जाओ। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। उपर आ जाओ फिर, इदा हाइट का डिफरेंस नहीं, हील्स का फायदा नहीं होना फिर। नहीं गोदी चक लेंगे। सो अज फिल्म किवें लगी हनीमून? बहुत ही फैंटास्टिक लगी, टोटली डिफरेंट है। सब तो बेटे च लगे भी जो कि पी ने एक मैसेज दिता है भी जो असी कुड़ी नूं अपनी कुड़ी बना लीए, वर्गी ना गई है। पूरी मूवी जो निचोड़ निकलिया ना, ये सारे लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जो सब समझ के इन फॉलो कर लेंगे तो हर घर सुखी हो जाएगा। मैं सब में यही मैसेज देना चाहूँगी, इस मूवी नूं देखो, इंजॉय करो, तो स्पैशली इन मैसेज को जरूर फॉलो करो ताकि सारे घर खुशी आ सके, सारी कुड़ियाँ अपनी आवाज़ से कोई बेगानी ना बने। राइट, मैं ना ये चीज़ देख रहा था, अपना एक्सपेक्टेशन पहले ही लेके आया कि हनीमून नाम है और ट्रेलर भी देखा से भी कॉमेडी 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 होएगी है ना, अल्टीमेटली स्टोरी पहुँचेगी कितने, पर जो मैं देखा कि जो फिल्म इमोशनल भी होंगी है तो तुहाडे सेंटीमेंट्स नूं छेड़ के जाती है और वो सेंटीमेंट्स जिहड़े वाकई वैल्यूएबल सेंटीमेंट्स ने और सानू अंडरसटैंड करना चाहिए, तुसीं की ऑब्जर्व किया? बिल्कुल जी, बनता है। देखो जी सब तो पहली गल की जो परिवार हनीमून के नाल गया नहीं सी परिवार को पता, वो अलग चीज़ होंगी है, बट जो इमोशंस जुड़े फैमिली के नाल आके जुड़े, जो फैमिली ने धी नूं एक अलग तो नज़रे नाल वेख्या, एक पहला नज़रिया सी जो जमीन मिले उन्होंने कहते रेड लाइन के अंदर आ गई, पैसा मिलया जो नहीं मिलया तो धी माड़ी हो गई, बट एज ए ब्रदर, क्योंकि मैं इस फिल्म जैसमिन ब्रदर का रोल पार्ट किया, एक ब्रदर होने नाते मेरा की सीगा टुटवा सीगा, पर भरा टुट गया से उस टाइम से, बड़ा औखा होंगे जी कि संभालना, बट यह कि हाँ जो परिवार इकट्ठा हो सब कुछ संभल जाता है। गिप्पी भाई ने बड़ा वधिया मैसेज दिता, अपने छावड़ा भाई ने भी बहुत वधिया डायरेक्शन के नाल मैसेज मूवी बनाई है। मेरे वालों हर परिवार को आना चाहिए और आके सारे देखनी चाहिए है फिल्म हनीमून, देखनी चाहिए है, जाना चाहिए। मिस नहीं करनी चाहिए है ना, जाना नहीं चाहिए कहें, पर कहते हनीमून तो जाना नहीं चाहिए, फिल्म देखनी चाहिए। मैं कह रही हनीमून तो देख आओ पूरा परिवार, परिवार ना जाओ। अजय पहली बार है ना कि किसे दा हनीमून असी देखन चले हैं पूरे परिवार सहित? नहीं, ये ना नाम रखना चाहिए फैमिली हनीमून। फैमिली हनीमून, एक फैमिली हनीमून भी होना चाहिए ताकि वो भी सारी इंजॉय कर सकें जो मूवी इंजॉय किया है। क्या बात है। और तुहानू भी दिवाली दी बहुत बहुत मुबारक और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जिहड़े ने पंजाबी इंडस्ट्री दे विच तुसीं पार्ट बन के लैके आ रहे हो, और मेरे ख्याल नाल यही खासियत हैगी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कि असी हादसों के नाल नाल कुछ ऐसिया गल्लां जिहड़ियां कि वाकई समाज नूं सेध दिंदियां ने। अगर इस फिल्म नूं कोई, मैं कहना कोई कुछ लोग समझ भी जानना तो कामयाबी हो जाएगी, फिल्म की कामयाबी यही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि आपां नूं मिल के पंजाबी इंडस्ट्री नूं उपर लैके आना है। एक कहते कि कुछ समय तो डाउनफॉल जा रही है इंडस्ट्री, हुण मैं लगता कि उस टाइम आ गया कि हुण अपफॉल जाएगा, अप होएगी इंडस्ट्री उपर लग जाएगी, जिस कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, आर्टिस्ट का भी बड़ा बड़ा रोल है, और नाल दी नाल पीपल्स नूं चाहिए कि थिएटर वेखन ना कि ओटीटी ते बह के वेखन करे जी। देखो असं मना नहीं करते ओटीटी वेख वेखना चाहिए, पर अपने कल्चर नूं अगे लैके आना सानूं चाहिए कि असं अगे लैके आईए और नाल मिल के मोढ़े मोढ़े ला के लैके चलिए जी। थैंक यू सो मच साढ़े नाल गल करन लई, दिवाली दी बहुत बहुत मुबारक। तुहानूं भी बहुत मुबारक।
सो फिल्म हनीमून रिलीज़ हो जा रही है जी 25 अक्टूबर नू। सो प्रीमियर होया और ज्योति अरोड़ा जी साढ़े नाल ने जिन्होंने मासी का कैरेक्टर प्ले किया, बट मैं उही कह रहा कि मैम तुहानू देख के नहीं लग रहा कि तुसी मासी का कैरेक्टर प्ले किया, सो दिस इज़ अमेजिंग। सो अज जो फिल्म देखी मैम किवें लगी? बहुत अच्छा रहा जी, वाकई बहुत प्यारा एक्सपीरियंस सीगा। और तुसी गल की मासी का, देखो जी करैक्टर ने लास्ट मूवी च मैं एक बहुत बोल्ड करैक्टर किया, अज बहुत टिपिकल किया कि जिन्हों पल भोली भाली है पता ही कुछ नहीं गा, तो अज मैं वैसे ही ज्योति अरोड़ा बन के आई हाँ जो मैं असल चाहिए सब पता लग गया होना हनीमून हाँ, मतलब की होंगे बड़ी चंगी तरह पता चल गया हनीमून का मतलब की है, पता तो वैसे उस टाइम नहीं सीगा, बट वो करैक्टर इदा दे सीगे कि जिदा सानू कुछ पता ही नहीं है कि की चल रहा है। बहुत सैट से मज़ा करते सी असी लोग, क्योंकि हर एक छोटा छोटा पंच उस टाइम इन्नी हंसी आती सी कि असी कंट्रोल मसा ही करते सी जी, और अज देख के बहुत मज़ा आया। सो बेस्ट मूवमेंट, क्योंकि जो इदा का कॉमेडी कॉन्सैप्ट होंगे और इन्नी वड्डी स्टार कास्ट कट्ठे सारे काम कर रहे हैं, और वो जो माहौल से ना स्पैशली असी वो सीन देख रहे ट्रेलर दे विच भी है कि एको ही हॉल के सब ने बिस्तरे बिछा ले, तो वह असी आम तौर के उत्ते घर माहौल देखा हुआ, तो जो असी अज के टाइम की गल करते हैं तो असं मॉडर्नाइज हो गए चीज़ा मिस करते हैं, पर फिल्म के जरिए वो काम सारा कुछ देखने दोबारा मिलता है, तो किड़े ऐसे मूवमेंट्स जो तुहाडे खास फेवरेट रहे? हर एक चीज़ बहुत ही खास सी, मैं पहले भी किया है मूवी के असी एक एक दिन इस तरह शूट किया जिस तरह अं विह आए हुए हैं, वाकई गिप्पी सर की मैरिज हो रही थी जिदा इदा लग रहा सू, हर दिन असं इन्ना इंजॉय करते थे, तो कोई भी एक एक पल तो नहीं बहुत सारे पल ने जोड़े कि बहुत खूबसूरत से, तो मैसेज जोड़ा मैं कह लास्ट जो गिप्पी सर ने मैसेज दिता वो वाकई बहुत अच्छा सी, है ना बहुत ही अच्छा लगे है, कॉमेडी के नाल एक सीरीयस और इमोशंस भी सी, सीरीयस भी सी, फुल ऑन पैकेज सीगा जी। उधर देखो सानू कोई देखी जांदा जनेजा साहब उत्थे खड़े की करदे हो तुसी, आओ आके दसो हनीमून किदां दी लगी? सत श्री अकाल, हनीमून बहुत वधिया पिक्चर है, बड़ी देर बाद कॉमेडी मूवी आई है, देख के लोगों नू सारयां नू देखनी चाहीदी, बाकी आर्टिस्ट ने नवे साडे नाल पुराने भी ने, पर गिप्पी भाजी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बाकी टी सीरीज की फिल्म है तो नैचुरली है कि गिप्पी भाजी ने जो काम किया है जो नवे भी आर्टिस्ट ने उन्होंने लगता नहीं कि नवे ने, मतलब काम ही इस तरह, बाकी फिल्म सारयां नू देखनी चाहिए, फिल्म 101% तुहानू पसंद आएगी, मज़ा आएगा पूरा, जिन्होंने कहते पूरा इंजॉय करोगे तो बड़ी देर बाद ऐसी फिल्म देखने को मिलेंगी। अच्छा डायलॉग तो बहुत सारे थे तो सुने भी होने, कोई एक अद्धा याद होया? याद की सानू मेरी भज्जा दौड़ी तुम्हें पता ज्यादा रही है पर लेकिन मैंने तो पिक्चर देखने तक होता पिक्चर की आ रहा है कि डायलॉग डूलॉग तो रात को देखांगे अज कल रात को देखांगे उदो पता लगेगा भी किन्ने डायलॉग, पर यह है कि पिक्चर जिनी भी देखी है फर्स्ट हाफ मैं पूरा देखा, सैकेंड हाफ थोड़ा घट देखा। ज्योति जी पूछते हैं कोई याद होना शायद इन्हों को बहुत सारे डायलॉग्स ने ऐसे, एक तो सीगा जदों कहते कि हनीमून तो मैं भी जाना पूरा परिवार ही नाल चलेगा, तो करमजी सर कहते भी मैं अनाउंसमेंट कराया मैं गुरुद्वारे जाके हाँ वो इन्ना फनी सीगा उस टाइम ही असं इन्ना हसे असी मसा ही कंट्रोल कर पाए उस चीज़ नू, वो शूट किस तरह किया क्योंकि वाकई बहुत हसे सारे लोग भी हनीमून तो जाना तो सारे ने नाल जाना। अच्छा हासे करके रीटेक ज्यादा आते होने खुद ही? हाँ नेचुरली बहुत बहुत वधिया, बाकी एंड बड़ा वधिया है कि मतलब फैमिली जिहड़ी है मिलाई गई है कि सारे लोग यही सोचते कि वो उनके फादर जो कहते हैं कि देखो जब लड़की वाले हमेशा हाथ जोड़ते हैं बट मतलब कहते कि लड़के वाले आए जो कि सारा परिवार लैके अपना झोली लैके खड़े है, ये मैंने बड़ी वधिया कि मैं अपनी कुड़ी भेज के बड़ा खुश होवांगा। अच्छा मैं परसनली ये सोचता जनेजा साहब जी तुम गल की रिलेट कर पाओगे उस चीज़ के नाल कि एक्चुअली जिन्होंने धी दे दी होंगी है ना उन्होंने अगर तुम थोड़ी जी भी रिस्पैक्ट दिने तो बई वो तो वध चढ़ के करते हैं कितने ज़्यादा। मेरिया दो बेटिया ने हाँ जी, मेरी एक बेटी मैं मैरिज कर चुका करोना ने की नोटबंदी से मतलब साढ़े आउट ऑफ सारे वधिया बंदे ने मतलब उन्होंने लोगों से यह है जिमें साढ़े असी दिल्ली के असी चंडीगढ़ असी सारा दिन पैसे के पिछे पैसे के पिछे पैसे उन्होंने लोगों ने मैं एक चीज़ नवी नोट की वो 15-20 दिन काम करते हैं इंजॉय करते हैं उस बाद 15-20 दिन 1-1.5 लाख रुपया जोड़े उस बाद फोर घूम चले सारी फिर एक नहीं जाता जिमें इन्हों का हनीमून है ना माँ भी जाएगी बाप भी जाएगा भाई भी जाएगा सारे जने इकट्ठे जाने कहीं दुबई चले गए कहीं इधर चले गए मैंने वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी वही चीज़ साड़ी रिलेट इस चीज़ में रिलेट देख के मैं बड़ी खुशी हुई कि मैं वो स्टोरी सारी मिलती है और सारे परिवारों इस तरह होना चाहिए ये परिवार है कि असी कुड़ियों कहने भी कुड़ियाँ देखो कमी हर एक चीज़ कमी मेरे च भी है कमी इन्हें भी है लेकिन हसबैंड वाइफ के थोड़ी जी अपनी आप सेव करके ना इन चीज़ों दूर करना चाहिए सारे पेरेंट्स इकट्ठा होना चाहिए अज की डेट क्योंकि आने वाला समा जो है ना वो इकट्ठ पाने से ही फायदा है क्योंकि अलग अलग रह के तुम्हें बेनीफिट नहीं मिल सकता क्योंकि पेरेंट्स थोड़े बच्चे ने बच्चों भी संभालेंगे थोड़ा यही नुकसान करेंगे हूँ हसबैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो सर्वेंट रखोगे वो उन्नी उन्होंने फैसिलिटी नहीं दे सकते जिन्हें माँ बाप तो वो दे सकते
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਫਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। 24 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, 25 ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।